अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FSC यानी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और ICS की डेट शीट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2024 फॉर ऑल एजुकेशन इन पंजाब फॉर पार्ट टू। तो FSC और ICS पार्ट टू जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 2024 की एनुअल एग्जाम की डेट शीट, ये डेट शीट पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। तो तमाम स्टूडेंट्स इसी डेट शीट के मुताबिक अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा जी। तो डेट शीट इसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। जो ग्रुप वन की टाइमिंग है वो सुबह 8:10 पर शुरू होता है, जो ग्रुप टू है उसकी टाइमिंग 1:10 पर, लेकिन फ्राइडे को 2:30 होगी, ये आपने ध्यान में रखना है जी। तो 20 अप्रैल 2024 सैटरडे हफ्ते के रोज़ पेपर होगा। ग्रुप वन में एक पेपर होगा केमिस्ट्री का, FSC वालों का, मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों का। और ग्रुप टू में दो पेपर होंगे, केमिस्ट्री वालों का और स्टैट वालों का। जो स्टैट वालों का पेपर है वो होगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये FSC वाले, ये वाले ICS वाले। 22 अप्रैल 2024 मंडे सोमवार वाले दिन इंग्लिश कैंपस जो इस्लामिया लाजमी है उसका पेपर होगा 22 अप्रैल सोमवार वाले दिन। तमाम ग्रुप्स का, FSC का, ICS का, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सबका इंग्लिश लाजमी का पेपर होगा। उसके बाद है 24 अप्रैल वेडनेसडे बुध वाले दिन, तो पेपर होगा आपका फिजिक्स का। फर्स्ट ग्रुप में भी फिजिक्स का पेपर है, सेकंड ग्रुप में भी फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद 26 अप्रैल 2024 फ्राइडे जुमे के रोज़ फर्स्ट ग्रुप में तर्जमातुल कुरान का पेपर है, सेकंड ग्रुप में तर्जमातुल कुरान और साथ इखलाकियात। जो इखलाकियात जो नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट होते हैं, जो तर्जमा कुरान पाक तर्जमा नहीं पढ़ते, जो गैर मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, उनके लिए अखलाकियात का पेपर होता है। नेक्स्ट है, उसके बाद आ जाए 29 अप्रैल 2024 मंडे सोमवार वाले दिन कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। जो ICS वाले हैं उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। फिर नेक्स्ट है 2 मई 2024 थर्सडे जुम्मे के रोज़, तो मैथ फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप दोनों ग्रुप में मैथ और बायो का, जो नॉन मेडिकल वाले हैं प्री इंजीनियरिंग वाले वो मैथ का पेपर देंगे, और जो प्री मेडिकल वाले हैं वो बायो का पेपर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रुप में होगा, कुछ स्टूडेंट का सेकंड ग्रुप में होगा। उसके बाद 3 मई 2024 फ्राइडे जुम्मा के रोज़ पेपर होगा पास्ट स्टडीज मतलब पाकिस्तान का, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में, ओल्ड एंड न्यू। तो इसमें ओल्ड सिलेबस भी है और न्यू सिलेबस भी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो सप्ली वाले हैं, उनका ओल्ड सिलेबस के मुताबिक पेपर होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका न्यू सिलेबस के मुताबिक पेपर होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपने बताना होता है कि मेरा जो ओल्ड सिलेबस है या मेरा न्यू सिलेबस है, उसके मुताबिक आपने अपना पेपर लेना है। बहुत बार स्टूडेंट को पता नहीं चलता, जो ओल्ड वाले हैं वो नया पेपर ले लेते हैं और न्यू वाले पुराना पेपर ले लेते हैं। आपने इसको अपने ज़हन में रखना है, अगर आपका न्यू सिलेबस है तो आपने न्यू सिलेबस का पेपर लेना है, अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो आपने ओल्ड सिलेबस का पेपर लेना है। उसके बाद है 6 मई 2024 मंडे उर्दू क्लास में, तो उर्दू का पेपर होगा तमाम ग्रुप्स का, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। और सेकंड ग्रुप में जो सेकंड पेपर है वो पाकिस्तानी कल्चर, ये जो पेपर है ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं जो उर्दू नहीं पढ़ते उनके लिए पाकिस्तानी कल्चर का पेपर होता है। तो ये आपकी डेट शीट है, तमाम स्टूडेंट्स ये डेट शीट को नोट कर लें, लिख लें, इसको लिख कर अपने सामने रखें, इसके मुताबिक आप भी तैयारी करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में और ज़िंदगी के आने वाले तमाम इम्तहानों में बेशुमार कामयाबियां अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।